पार्थसर समाचार के द्वारा अपने चंद्रपुर को ये जो सेवा चल रही है उसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीते 3 वर्षों से चल रहे उपक्रम जिसमें कि चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण का पुरस्कार दिया जाता है, चयन समिति इसमें चयन करती है, एक अच्छा उपक्रम मैं समझता हूँ। पत्रकारिता में ऐसे कार्य करना भी एक अनोखी बात सामने आई है। मैं उनके जो संचालक है राजेश नायडू जी को मैं बधाई देता हूँ, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका जो अखबार चलता है पार्थसर न्यूज उसमें से काफ़ी जनता को जानकारी मिलती है, सेवा होती है। मैं वर्षगांठ की शुभकामना देता हूँ और उपक्रम के लिए भी शुभकामना देता हूँ। मी अनिल धानोरकर पार्थ शर समाचार यांच्या 3र्या वर्षगांठ निमित्त त्यांना शुभेच्छा देतो की एक चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून समाज उपयोगी कार्य होत आहे आणि चांगले समाचार ते दाखवत आहे, असंच कार्य त्यांच्याकडून नेहमी होत राहावं अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल पार्थसर समाचार के माध्यम से 9 फरवरी 2024 को 3री वर्षगांठ के उपलक्ष में जो चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, मैं बहुत बहुत सदिच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये एक सर्वोत्तम अपने आप में उपक्रम है, समाज के उत्तम लोगों के पीछे खड़े रहना। ये जब समाज ये कृति करता है तो अच्छे लोगों को काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। आज हमें अच्छे लोगों को पुरस्कृत करते हुए सज्जन शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आज पार्थसर समाचार इस माध्यम से सज्जन शक्ति का जो गौरव कर रहा है, कर्तृत्वशाली व्यक्तियों का जो गौरव कर रहा है, मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है श्री राजेश नायडू जी के नेतृत्व में हम यहाँ के कोहिनूर व्यक्तिमत्व को ढूंढेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्थसर समाचार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल ने 28 जनवरी को सिटी स्कूल चंद्रपुर में एक मुफ्त निदान और उपचार शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन सुधीर मुनगंटीवार ने किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष राहुल पावड़े सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुबह 9 बजे से महाआरोग्य शिविर में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित नागरिकों ने अपना पंजीकरण कराया, जिसके बाद सावंगी मेघे के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा नागरिकों की जाँच की गई। कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर उपस्थित पालक मंत्री मुनगंटीवार ने नागरिकों को सेवा के रूप में स्वास्थ्य प्रदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर करने लगी हैं क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली में कई बदलाव किए। माँ के हाथ का खाना छोड़कर हम ऑनलाइन होटल का खाना खाने लगे हैं, इसलिए इसके साथ हम कई तरह की बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहे हैं। वर्तमान में कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने मुफ्त कीमोथेरेपी की व्यवस्था की है ताकि इसका इलाज किया जा सके। इस अवसर पर मंत्री मुनगंटीवार के साथ मंच पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल पावडे, सिटी कन्या विद्यालय की मुख्य अध्यापिका प्रतिमा नायडू, हिंदी सिटी हाई स्कूल की प्रतिमा, हिंदी सिटी हाई स्कूल की प्रभारी कविता मिश्रा, सिटी हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक संदेश सर, डॉक्टर की टीम और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री सुधीर मनवंती वाले सभी जांच करने आए लोगों के लिए मुफ्त इलाज, ऑपरेशन और दवाई देने का ऐलान किया। आज चंद्रपुर मध्ये दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून आज मोफत रोग निदान व निशुल्क आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आलेला आहे। या शिबिरामध्ये ज्या हजारो आरोग्य तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांना तपासणी करून आवश्यक तिथं मोफत औषध उपाययोजना, आवश्यक तिथं त्यांच्या शस्त्रक्रिया या केल्या जाणार आहे। या अगोदर 15 दिवसापूर्वी बल्लारपूर येथे अशाच पद्धतीचं महाआरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आलं। साधारणतः जवळपास 1700 रुग्णांनी तपासणी केली आणि 500 आसपास रुग्णांवर विविध शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या। याच सोबत फिल्म सिटीच्या माध्यमातून आय हॉस्पिटल ऑन व्हील हे CSR मधून चंद्रपूरमध्ये सुरू केल्या जात आहे, ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात
चंद्रपूर नंतर बगारशा व मग जिल्ह्याचा इतर भाग या ठिकाणी नेत्र चिकित्सा करत मोफत चष्मे वितरत व मोफत त्या ठिकाणी जर ऑपरेशन करण्याची आवश्यकता असेल तर त्या ठिकाणी ऑपरेशन सुद्धा करण्याची व्यवस्था केली जाईल। कारण योग्य क्षणी डोळ्याची निगा ठेवली नाही तर मग काचबिंदू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि ज्यामध्ये नंतरचे परिणाम हे दृष्टिहीनतेकडे होण्याची शक्यता असते आणि यासाठी याचाही कॅम्प करण्याचा आम्ही सुरुवात केली आहे। यासोबत दंतचिकित्सा मोठ्या प्रमाणावर चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये किंवा विदर्भात खऱ्याचं सेवन केलं जातं, तंबाखूचं सेवन केलं जातं आणि दाताची चिकित्सा हे सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे। आत्ताच आम्ही सरकारी डीन व सी एस यांच्याशी चर्चा केली आहे आणि पहिलं शिबिर दंतचिकित्सेचं उंबरुण्याला करत या दृष्टीने भविष्यात जिल्हाभर दंतचिकित्सा ही नेत्रचिकित्सेनंतर करण्याचाही निर्णय आम्ही केला आहे। यामध्ये रुग्णांना एकही पैसा खर्च येत नाही पण मी विशेष करून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजींना व त्यांच्या आरोग्यविषयक मनापासून काम करणाऱ्या टीमला यासाठी धन्यवाद देईल की महाराष्ट्रात सर्वात जास्त रुग्ण सहकार्य मुख्यमंत्री निधीतून हा मागील वर्षामध्ये नंबर एक रेकॉर्डमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याला आम्हाला त्यांनी मदत केली आणि अधिकृत मुख्यमंत्री कार्यालयाने पत्र दिलं की सर्वात जास्त रेकॉर्ड ब्रेक आरोग्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातून तुम्ही पत्र व्यवहार केला, तुम्ही मागणी केली आणि सर्वात जास्त महाराष्ट्राची मदत ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी व त्यांच्या टीमनी चंद्रपूरला दिली। शक्तिदायिनी माता महाकालीच्या चरणी आम्ही प्रार्थना केली की भर भरून आमच्या मुख्यमंत्र्यांना आशीर्वाद दे, ज्यांनी शक्तिदायिनी तेजोदायिनी माता महाकालीच्या भूमीतील रुग्णांना भर भरून मुक्त हस्तानी मुख्यमंत्री निधीतून सहकार्य केलं। ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सुदृढ व्हावी यासाठी आपले काय प्रयत्न? आता आपलं उत्तम मेडिकल कॉलेज होत आहे, कॅन्सर हॉस्पिटलचं बांधकाम 2 वर्ष 8 महिने मंदगतीने होतं तेही आम्ही जुलै ऑगस्टमध्ये पूर्ण करतोय। 14 PHC सेंटरच्या इमारती बांधल्या, माननीय केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारतीताई पवार आल्यात, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही योजना कार्यान्वित करतोय। या ठिकाणच्या ॲम्ब्युलन्स सेवा आम्ही उत्तम करतोय, डॉक्टरांची दर्जेवाढ व्हावी। मी स्वतः शिर्डी संस्थांच्या वतीने MRI मशीनला शिर्डी संस्थांनी आम्हाला मदत केली 7.5 कोटी, त्यामध्ये आमचे 7.5 कोटी केले आणि अत्याधुनिक 3 टेस्ला मशीन आम्ही घेतोय। मी शिर्डी संस्थांचे तेव्हाचे अध्यक्ष हावरे यांनाही धन्यवाद देईल की त्यांनी एका सेकंदात 1 मिनिटात सबका मागिक एक त्यांनी 7.5 कोटी रुपये शिर्डी संस्थांनी दिले। MRI मशीन तर आपणही घेऊ शकत असतो पण शिर्डी संस्थांचा आशीर्वाद त्यामध्ये आहे। माननीय हावरेंना धन्यवाद देताना भगवान साईबाबांचाही आशीर्वाद हा आम्हाला लाभण्याचं एक त्या मशीनच्या माध्यमातून निश्चितपणे तो आशीर्वाद लाभणार आहे। याशिवाय आम्ही काही आरोग्य संस्थांशी टाईप करतोय, जेवढ्या आरोग्य संस्थांचं आता आम्ही मॅपिंग केलं आहे त्याच्यामध्ये भौतिक पूर्ण व्यवस्था उत्तम करायच्या। आज आपल्या हॉस्पिटलमध्ये काही PHC सेंटरमध्ये अतिशय वाईट अवस्था आहे, स्वच्छता गृह एवढी वाईट आहे की कधी कधी मी गमतीने म्हणतो की ॲनेस्थिशिया देण्याची गरज नाही आहे, 1 मिनिट तुम्ही त्याच्यामध्ये डोकं ठेवा तो आपोआप बेशुद्ध होईल। पण आपली आरोग्यसेवा उत्तम असावी, आयुष्यमान भारत योजना आहे, माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी बजेट मांडताना आता 1,50,000 जीवनदायी योजना 5 लक्ष केली पण याच्यामध्ये काही उणीवा त्रुटी आहे त्याही दूर करायच्या आणि आपला चंद्रपूर जिल्हा हा आरोग्याच्या बाबतीमध्ये अतिशय उत्तम करावा हा माझा भाव आहे आणि त्या माध्यमातून मी चंद्रपूरसाठी मिशन फिट ही योजना घोषित केली आहे आणि मिशन फिटही होईल, आमचा जिल्हा हिटही होईल। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना।
इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। पार्थ सर समाचार के द्वारा अपने चंद्रपुर की ये जो सेवा चल रही है उसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 3 वर्षों से चल रहे उपक्रम जिसमें कि चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण का पुरस्कार दिया जाता है, चयन समिति इसमें चयन करती है, एक अच्छा उपक्रम मैं समझता हूँ। पत्रकारिता में ऐसे कार्य करना भी एक अनोखी बात सामने आई है। मैं उनके जो संचालक है राजेश नायडू जी को मैं बधाई देता हूँ, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका जो अखबार चलता है पार्सल न्यूज, उसमें से काफ़ी जनता को जानकारी मिलती है, सेवा होती है। मैं वर्षगांठ की शुभकामना देता हूं और उपक्रम के लिए भी शुभकामना देता हूं। मैं अनिल धानोरकर, पार्थ शर समाचार यांच्या तिसऱ्या वर्षगांठ निमित्त त्यांना शुभेच्छा देतो। एक चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून समाज उपयोगी कार्य होत आहे आणि चांगले समाचार ते दाखवत आहे, असंच कार्य त्यांच्याकडून नेहमी होत राहावं अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार के माध्यम से 9 फरवरी 2024 को तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, मैं बहुत बहुत सदिच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक सर्वोत्तम अपने आप में उपक्रम है। समाज के उत्तम लोगों के पीछे खड़े रहना, ये जब समाज ये कृति करता है तो अच्छे लोगों को काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। आज हमें अच्छे लोगों को पुरस्कृत करते हुए सज्जन शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आज पार्थसर समाचार इस माध्यम से सज्जन शक्ति का जो गौरव कर रहा है, कर्तृत्वशाली व्यक्तियों का जो गौरव कर रहा है, मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है श्री राजेश नायडू जी के नेतृत्व में हम यहां के कोहिनूर व्यक्तिमत्व को ढूंढेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्थसर समाचार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र। मी जयदीप रोडे, शिवसेना माजी उपजिल्हा प्रमुख, चंद्रपूर। पार्थशर समाचाराचे 9 फेब्रुवारीला 3 वर्ष पूर्ण होत आहे। पार्थशर समाचार हे एक विदर्भातलं हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहे आणि खूप सुंदर प्रकारे यांनी जनतेचे प्रश्न मांडलेले आहे। याचा एक निजी अनुभव आहे मला आणि जनतेत ज्या प्रकारे निर्भीडतेने पत्रकारिता करत आहे तर माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे। 3 वर्ष पूर्ण 9 फेब्रुवारीला होत असताना त्यांना आणि असेच त्यांनी पुढचेही अनेक वर्ष पूर्ण करावे यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। जय महाराज। येत्या 9 फरवरी 2024 तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थसर समाचार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थसर समाचार अच्छा काम करते रहे, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। चंद्रपुर जिले के घुग्घुस शहर और ग्रामीण इलाकों में भूमिपुत्रों, किसानों और बेरोजगारों के विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी पर हड़ताल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी के गेट के सामने धरना लगा दिया और प्रदर्शन जारी रखा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अदालत के आदेश दिखाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस नेता और भूमिपुत्र संगठन के आयोजक दिनेश चोखरे ने किया है। इस मार्च में स्थानीय शिक्षित और
बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, कंपनी द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का मुआवजा देने, कंपनी के CSR फंड का समुचित उपयोग करने, कंपनी का अतिक्रमण हटाने, कंपनी के कुप्रबंधन की जांच करने, स्थायी रोजगार देने की मांग की गई। परियोजना ने कंपनी में किसानों को प्रभावित किया, शहर के केंद्र से कंपनी के भारी यातायात को रोक दिया। स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को कंपनी के CSR फंड के माध्यम से घरेलू उद्योग को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वे अपना आंदोलन तेज करने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर आयोजक पूर्व सदस्य ग्राम पंचायत गुगुस पवन अगडारी, सुधाकर बंदूरकर, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत गुगुस हेमंत उर्कुडे, शेखर तंगट पल्ली, प्रेमानंद जोगी, लाखन हेकरे, तौफिक शेख, सूरज बहुराशी, सीनू गुडुला उपस्थित थे। इस आंदोलन के तहत आंदोलनकारियों ने मांग की है कि गुगुस नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय शिक्षित और बेरोजगार युवक युवतियों को उनकी शिक्षा के अनुरूप नौकरियों में समायोजित किया जाए। लाइट्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी के प्रदूषण के कारण लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कंपनियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए, जैसी बहुत सी मांगे रखी गई हैं। लाइट्स कंपनी गुगुस भूमिपुत्र निवेदन 9 जानेवारी 2024 दिलो होता। एक ज्वलंत प्रश्न, जवळपास 1 ते 12 ज्वलंत प्रश्न लाइट्स कंपनीच्या विरोधातले आहे। त्या संदर्भात आम्ही अनेकदा निवेदन दिले होतं। आज 29 तारखेला आम्ही भूमिपुत्राच्या माध्यमातून धडक मोर्चाचं आयोजन केलं आहे, पण इथं कुठेतरी प्रशासन आम्हाला दाबण्याचा प्रकार करून राहिलेलं आहे। आणि जे स्थानिक मुद्दे आहे, कारण की कंपनीनं मोठ्या प्रमाणात इलिगल कामं केलेली आहे आणि त्याला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठी आमचं हे भूमिपुत्राचं आंदोलन होतं। जवळपास येथे यांची हिअरिंग झाली होती, याचं विस्तारीकरण हे होतं। जवळपास येथे 750 बेरोजगाराला रोजगार देणार होतं, पण या कंपनीत गुगुसच्या आणि सभोवताच्या एकही स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आलेला नाही आहे। आमची तेच मागणी आहे का यांनी लिस्ट लावावी, किती लोकांना रोजगार दिला आहे आणि किती स्थानिक लोकांना रोजगार दिलेला आहे। सोबत झाले वडा असो, गुगुस असो, पांढरकडा असो, मासारदेवी असो, सोनेगाव असो, आणि सोबतचा जे गाव असो, इथल्या स्थानिक लोकांना बेरोजगाराला किती लोकांना रोजगार दिलेला आहे, याने कंपनी तर याने खुलासा करावा, हे आमची पहिली मागणी आहे। आणि मोठ्या प्रमाणात याने जे पांदन रस्ते आहे, पांदन रस्त्याचा मोठ्या प्रमाणात याने एन्क्रोचमेंट केलेला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक जागा याने एन्क्रोचमेंट केलेल्या आहे। आमची तेच मागणी आहे का इथं प्रशासन जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ दखल घेऊन या कुठेतरी या प्रश्नाचा निवारा केला पाहिजे। त्या दृष्टीकोन आम्ही हे आंदोलन, आम्हाला येथे आंदोलन करण्याची गरज का भासली? येथे कोणी काही पक्षाचा हे नाही आहे, येथे सर्व भूमिपुत्र म्हणजे सगळ्या सोबतच्या जे भूमिपुत्र आहे, अनेकाच्या जागा घेतलेल्या आहे। जागा इथले काही स्थानिक दलाल लोक आहे, त्यांच्या माध्यमातून घेतले। आमचं तेच म्हणणं आहे, कंपनी आणि शेतकऱ्याची डायरेक्ट हे झालं पाहिजे। आणि अनेक यांच्या प्रदूषणामुळे अनेक शेती खंडर झालेले आहे, तिथं कुठंतरी यांना न्याय मिळाला पाहिजे, नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। आणि इथं स्थानिक जे रोगराई पसरली आहे, या प्रदूषणामुळे जे स्थानिक लोक बीमार पडत आहे, अनेक बीमार आहे, कॅन्सर सारखे बीमाऱ्या येतो होत आहे, याचा कुठंतरी निवारा झाला पाहिजे। याचं प्रदूषण बंद झालं पाहिजे। एक जर या कंपनीमुळे इथले जर 25-30 हजार लोक जर डिफेक्टेड होत असेल, असा आपल्याला प्लांट नाही पाहिजे। पण आम्ही प्लांटच्या विरोधात नाही, पण याने जे पॉल्युशन विभागाने जे नामांकन ठरवले आहे त्यानुसार याने कारवाई केली पाहिजे, त्यानुसार याने जे नियमाचं पालन केलं पाहिजे। पण नियम साईडला धरून कंपनीचे जे वरिष्ठ लेवलवर आहे, कंपनी मुजोर आहे, त्या पद्धतीने त्याही मंत्री येथले स्थानिक मंत्री आणि मुख्यमंत्री याच्या खिशात आहे, यासारखे कंपनी कुठंतरी त्यांची मुजोरी चालू आहे। या मुजोरीला जर अन्यायाच्या विरोधात आम्ही भूमिपुत्राच्या माध्यमातून मोर्चा काढला जाय, सतत चालू राहणार आहे मोर्चा। जर या कंपनीनं जे स्थानिक मुद्दे आहे, बेरोजगारचा प्रथम बेरोजगारचा मुद्दा आहे, बेरोजगाराला कुठून न्याय मिळाला? आज आम्ही लोकशाहीच्या माध्यमातून हे आंदोलन चालू आहे, येणाऱ्या काळात आम्ही आंदोलन तीव्र करू। आमची भूमिका माहिती आहे, आम्ही जवळपास 2009 आम्ही गोपाणीमध्ये हे केलं होतं, 107 जण कंपनी, जर आमच्या जर यानंतर जर प्रशासन दखल नाही घेतली, आम्ही परवानगी घेऊन अशीदार कंपनीच्या अंदर घुसू, हे यांची दखल घ्यावी। आम्ही लोकशाहीच्या माध्यमातून कुठंतरी आम्ही प्रश्न मांडायचा हे करत आहोत। आणि स्थानिक कलेक्टर असो, प्रशासन असो, कंपनीला तुम्ही प्रोटेक्ट करत आहे, इथले जे स्थानिक प्रश्न आहे, अनेक आता आम्ही जे मुद्दे घेऊन इथं बसलेलो आहोत, या मुद्द्याचं जर निवारण नाही झालं
तर आमचे आंदोलन सतत चालू राहणार कंपनीच्या विरोधात। पार्थशर समाचार यांचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा होत आहे आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे देण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहेत हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे आणि पार्थसर समाचारचा जो तिसरा वर्धापन दिन आहे त्या दिनासाठी सुद्धा मी माझ्याकडनं मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे। नमस्कार, विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थसर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थसर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए, इसके लिए मैं सूरज ठाकरे आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपूर रत्न, चंद्रपूर गौरव एवं चंद्रपूर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से इनके जिन्हें भी मिल रहा है उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज तंदूरी कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। नमस्कार, विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थसर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए, इसके लिए मैं सूरज ठाकरे आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपूर रत्न, चंद्रपूर गौरव एवं चंद्रपूर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से इनके जिन्हें भी मिल रहा है उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज तंदूरी कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। 25 जनवरी को चंद्रपुर शहर के सरकार नगर में ठाकरे गुट के युवा सेना शहर प्रमुख 25 वर्षीय शिव वजरकर की एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। एक नरसंहार जिसने चंद्रपुर में संगठित अपराध के पुनरुत्थान को जन्म दिया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरोपियों में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी का बेटा हिमांशु कुमरे, पूर्व परिवहन सेना जिला प्रमुख स्वप्निल काशिकर और अन्य आरोपी शामिल हैं। 28 जनवरी को संरक्षक मंत्री सुधीर मुंगंटीवार ने वजरकर परिवार से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। इस बैठक में शिवा के माता पिता ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। खासकर कुछ नागरिकों ने आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मांग की है। कुछ समय बाद शिवा के परिवार से मिलने महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार भी पहुंचे। दोनों नेताओं ने पुलिस विभाग की अच्छी खबर ली और कड़ी से कड़ी धाराओं में इस अपराध की जांच करने की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रविंद्र परदेसी ने सभी अपराधियों के खिलाफ मेकोका तड़ी पारी और हर संभव प्रकार से कार्रवाई करने की बात कही है। चंद्रपुर का प्रसिद्ध अखबार पार्थशर समाचार की ओर से चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार 2024 का आयोजन 9 फरवरी 2024 को एनडी होटल में होने जा रहा है। इस पुरस्कार के निमित्त से चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सराहा जाएगा, जिसके वजह से उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं पार्थशर समाचार के राजेश जी नायडू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे, ऐसा उनसे अनुग्रह करता हूँ। येत्या 9 फरवरी 2024 ला तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थशर समाचार की तिसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थशर समाचार अच्छा काम करते रहें, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद।